A very good afternoon to all of you. This is Devishish Pandey once again. Welcome you all to Prime Time with Devishish on our channel, jiska naam hai Judiciary World, a one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirants. Let's have a tech check quickly. Am I clearly visible and audible to everyone? Audio video changa si. Let's have a shuru kar sakte hain apan session ko. Chaliye ji. Shandar, shandar. बहुत ही शानदार सेशन लेके आए हैं आज दोबारा से आपके लिए. आज बात करेंगे हम कुछ नेशनल पार्क्स की. नेशनल पार्क्स पे एक क्वेश्चन है जो अक्सर आपको जीके जीएस में दिखता है. सबसे पहले तो फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो. शुरू करते हैं. सब लोग आ गए हैं. संडे है, मैं जान रहा हूँ. संडे आफ्टरनून थोड़ा सा ऐसा लेजी सा होता है, लोगों को कुछ करने का मन नहीं होता, आराम से सो के उठते हैं, तो आई अंडरस्टैंड. बट चलो कुछ नया सीखते हैं. बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और उसके बाद अपने 25 एमसीक्यू हैं जो डेली होते हैं. तो दैट विल बी द ब्रॉड एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास. सर आपकी क्लास नहीं हुई ना सर? कल आपकी, हाँ कल नहीं हुई थी, कल की ही क्लास तो आज दोपहर में रखी है. ठीक है, सो दिस इज येस्टरडेज क्लास विच वाज प्लान्ड एंड दिस इज शेड्यूल्ड टुडे आफ्टरनून. और रात को आज 9 बजे वापस से अपनी क्लास होगी जो रेगुलर टाइम पे होती है. राइट, सो टुडे इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द जीके जीएस सीरीज फॉर द यूपी एपीयू एंड यूपी पीसीएसजे. आज इसका 5वां पार्ट है. ज्यादा कनेक्शन नहीं है पिछले पार्ट से, लेकिन एडवाइजेबल है अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो पुराने 4 पार्ट्स को भी देख सकता है. ठीक है, चलिए जी. हेलो 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 टू एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून. चलो, कैसी चल रही है तैयारी? सब पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है? अच्छे से करते रहो पढ़ाई यार, एग्जाम्स आने वाले हैं जल्दी, कुछ ना कुछ आपको सूचना मिलेगी और तैयार रहिए उसके लिए हमेशा. ठीक है, चलिए जी. आज बात करने वाले हैं अपन नेशनल पार्क्स इन इंडिया के. ठीक है, नेशनल पार्क्स की आज हम बात करेंगे. देखो, अपन जब पेपर देने जाते हैं तो अक्सर एक ये सवाल आ जाता है नेशनल पार्क से रिलेटेड, और अपन उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो वो मिस हो जाता है. बट आज क्या करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट, एक तो 2 पार्ट में हो पाएगा क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखो तो हमारे देश में 1000 नेशनल पार्क्स हैं. ठीक है, बट वो सारे अपने को नहीं याद रखने, अपने को मुश्किल से 20 से 25 याद रखने जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं या जो एक रेगुलर उसमें इंपॉर्टेंट है. तो आज अपन फर्स्ट पार्ट में अभी कुछ स्टेट्स के नेशनल पार्क्स कर लेंगे और रात को 9 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आज सारे नेशनल पार्क्स कंप्लीट करवा दूंगा. ठीक है, सो दैट इज सब आएगा बेटा, सब आता है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो आज अपन बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया. प्यारे प्यारे 2 टाइगर्स का फोटो लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा फोटो मिला मुझे. चलो शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क से. बट एक बात आपको समझने की जरूरत है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, इन तीनों में फर्क होता है. सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिएगा, ये पेपर में नहीं आएगा बट आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए जरूरी है. सबसे पहले आपको समझना है एक नेशनल पार्क क्या होता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और एक टाइगर रिजर्व क्या होता है. आइडिया ये है कि जो एक नेशनल पार्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है, वो एक्चुअली में सबके प्रोटेक्शन के लिए होता है, फ्लोरा एंड फौना. मतलब जो आपके प्लांट्स हैं, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो ट्रीज हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी होता है नेशनल पार्क. वहां पे एनिमल्स भी होते हैं बट द एंटायर एजेंडा इज टू प्रिवेंट द एंटायर इकोलॉजी, दैट इज अ नेशनल पार्क. और जब आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हो तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो किसी 1, 2 या 10 जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए जो की जाती है, जो एक एरिया डेजिग्नेट किया जाता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाती है. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में फर्क है. नेशनल पार्क जो होते हैं वो ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल जीरो होता है और वहां पे आप बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो. जब भी आप किसी नेशनल पार्क में जाते हो तो वो एक एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया जो ह्यूमंस के लिए खुला होता है और आप जाके थोड़ा बहुत देख सुन के आ सकते हो, बट पूरा नेशनल पार्क कभी खुला नहीं होता है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए. तो नेशनल पार्क का मतलब है कि पूरी इकोलॉजी को, प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी सिर्फ एनिमल्स के लिए. और एनिमल्स में भी अगर आप स्पेसिफिकली किसी टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए किसी एरिया को डेजिग्नेट करते हो तो वो टाइगर रिजर्व कहलाता है. कई बार ऐसा होता है, इस बात को समझना,
क्योंकि अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक नेशनल, बड़ा सा नेशनल पार्क होता है, उसका कोई जो एरिया होता है उसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है, ठीक है, टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। जैसे आप लोग यूपी से, जो भी लोग यूपी से हैं या उत्तराखंड के हैं, वो अगर उन्होंने पढ़ा होगा दुधुआ नेशनल पार्क, वहां पे दुधुआ नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो टाइगर रिजर्व जो है वो एक डेजिग्नेटेड एरिया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, एंड द नेशनल पार्क इज द एंटायर एरिया विच इज प्रोटेक्टिंग द इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीबडी, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। चलिए जी शुरू करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला पॉइंट अपने पास आता है कि सर नेशनल पार्क्स बनते किससे हैं, तो बस आपको इतना याद रखना है कि 35 सेक्शन नंबर 35 क्लॉज 4, सेक्शन नंबर 35 क्लॉज 4 जो है आपका, वो बात करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, कि हमारे देश के जो किस तरह के एरियाज को आप नेशनल पार्क डिक्लेयर करोगे, बस इतना आपको समझना है, इतना आपको समझना है और कुछ नहीं समझना है। यहाँ पे बस आपको इतना समझना है कि सेक्शन 35 क्लॉज 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1872 का ये बताता है कि एक नेशनल पार्क क्या होगा, और ये प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए एक डेजिग्नेटेड एरिया है जिसको अपन नेशनल पार्क बोलते हैं, बस इतना आपको जानने की जरूरत है। जब हमारा 1972 में एक्ट नहीं बना था, 1970 में जब डेजिग्नेट होना शुरू हुए तब 4 नेशनल पार्क्स थे इंडिया में केवल। आज के टाइम पे 1000 से ऊपर नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में, लेकिन हम ये सारे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। मुश्किल से 20 से 30 नेशनल पार्क्स हमें पढ़ने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार 100 बार पूछा जा चुका है, ये है कि विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसको टिक लगा लो। जो फर्स्ट नेशनल पार्क है उसका नाम है हेली नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क, जिसको अब आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में के नाम से जानते हो, उत्तराखंड में जो स्थित है, दैट इज द ओल्डेस्ट और द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। समझ में आया, ये बात समझ में आई सबको, समझ में आई? फर्स्ट नेशनल पार्क हेले नेशनल पार्क, हेले HALEY, हेले नेशनल पार्क। देखो PDF मैंने पिछले 3 सेशंस की कंपाइल करके आपको भेज दिया है टेलीग्राम पे, तो PDF की चिंता नहीं करनी है। ये जब शाम को नेशनल पार्क्स वाला पूरा हो जाएगा टॉपिक, तो मैं एक साथ नेशनल पार्क्स की पूरी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा हो गया अपना? हेले नेशनल पार्क, जिसको आज के टाइम पे अपन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। हालांकि जिम कॉर्बेट का नाम एक बार और बदला था आई गेस, और 2006 में ये वापस से जिम कॉर्बेट हुआ है, बीच में कुछ और नाम था, बट वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, और ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क या ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का हेले नेशनल पार्क है, जो कि जिम कॉर्बेट आज के टाइम पे कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा पूछे वाला सवाल है, ये है हेमीज नेशनल पार्क, ये हेमीज। तो हेले और हेमीज, ये दो डबल एच आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट कौन सा है तो हेले है, और अगर आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट कौन सा है तो वो हेमिस है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है, और ये बहुत इससे मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और यहां तक कहा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया का भी ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बट वो अपने को याद करने की जरूरत नहीं, अपने को बस इतना याद रखना है कि जो हेमीज नेशनल पार्क लद्दाख का है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जब कल अपन पढ़ रहे थे कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो अपन ने देखा था कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे बड़ा है, लेकिन सेकंड नंबर पे लद्दाख आता है, और कई लोगों ने कल आंसर में लद्दाख भी आंसर दिया था। लोगों के दिमाग में ये प्रिजम्पशन रहता है कि लद्दाख सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन लद्दाख का जो नेशनल पार्क है, जो हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, एंड दिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए। ये देखो, ये वाला लेपर्ड है मस्त स्मार्ट सा, ये बर्फ में रहता है, इसका नाम है स्नो लेपर्ड, ठीक है, मतलब इसको स्नो लेपर्ड कहते हैं। मैंने सोचा थोड़ा फोटो ऐड कर देंगे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा। सो स्नो लेपर्ड जो पाया जाता है वो आपके हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। मैं एक करंट अफेयर पढ़ रहा था एक टाइम पे कि ये जो हेमिस नेशनल पार्क का एरिया है ना, यहाँ पे कोई एक जोन है जिसको डिक्लेयर किया जा रहा है कि वहां से वहां पे पॉल्यूशन बहुत कम है, इसी नेशनल पार्क का एक एरिया है, वहां से कुछ क्या नाम है, ये स्टार्स को देखने का या ऐसा कुछ ब्लैकआउट एरिया करके बना रहे हैं।
ठीक है, तो वो भी इसी नेशनल पार्क में बन रहा है। तो लद्दाख हैज ओनली वन नेशनल पार्क, दैट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इसका नेम है हेमिस। ठीक है, अब हेमिस कैसे याद करना है, कुछ भी पहाड़ में जाते हो कुछ भी है तो हेमिस याद रख लो अपने हिसाब से। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, साउथ बटन, देखिए ये साउथ बटन आपको याद रखना है क्योंकि उसमें नॉर्थ बटन भी है और साउथ बटन भी है, ये दोनों ही नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। बट साउथ बटन सबसे नीचे ऐसा समझो, सबसे नीचे जो नेशनल पार्क है वो सबसे छोटा है। ठीक है, जो ऐसे लाइन से खड़े हैं नेशनल पार्क सारे, तो सबसे छोटा है वो सबसे आखिरी में आएगा। तो साउथ बटन नेशनल पार्क जो है आपका वो स्मॉलेस्ट है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, इट इज मध्य प्रदेश। 11 नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है इसमें मध्य प्रदेश में। सबसे रीसेंट जो आया है वो कूनो नेशनल पार्क आई गेस अभी ऐड हुआ है। तो आइडिया क्या है, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है हमारे देश में वो भी मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा है, ये आप सब लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं 11, वो मध्य प्रदेश में। और अभी आज रात की क्लास में इनको डिस्कस करूंगा, मध्य प्रदेश के जो 11 नेशनल पार्क हैं, और आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 2 मिनट में सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, 2 मिनट में सारे याद हो जाएंगे। तो ये अपने को बेसिक बातें कुछ समझ में आ गई नेशनल पार्क के बारे में। अगर किसी को भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। स्क्रीनशॉट कितने लोग हैं यार, कितने स्क्रीनशॉट लोग हैं, मैं पीडीएफ दे दूंगा और बेटर है इसको लिखते चलो। The more you write, the better you remember. चलो next, अब states के specific जाते हैं। नहीं, दो चीजें और रहती हैं हमारे देश में, marine national parks भी हैं। ठीक है, marine national parks भी हैं। तो आप marine national parks के लिए आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देश में 6 total marine national parks हैं, but इस पे ज्यादा questions नहीं पूछे जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है। बस आप इतना याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए कि फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम ही अपने आप में मरीन नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। तो बस इतना आपको याद रखना है कि गुजरात में जो है वो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। आप उसको जैसे भी याद रखो, एक चीज बोला जाता है ना कि गुजरात की तट की सीमा सबसे बड़ी है। रईस पिक्चर देखी हुई, उसमें वो बताता है कि बचपन में पढ़ाया गया था कि गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन की अगर आप बात करते हो तो गुजरात की सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये गुजरात की सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है, तो वो समझाता है। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इनकी, तो इसीलिए मान लीजिए कि ये जो मरीन नेशनल पार्क है वो गुजरात में, ऐसे याद करने का तरीका। उसके बाद एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एक अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग क्या मतलब, वो पानी ही है, अब उसको नाम दे दिया गया फ्लोटिंग। ऐसा नहीं कि वो तैर के कहीं और चला जाएगा, वो बड़े से एरिया में वो छोटा सा पार्ट है जिसको माना जाता है फ्लोटिंग। अब उसमें बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, लोटक लेक पे, लोकटक लेक। एक बार लेक्स वगैरह रिवर्स वगैरह आपको पढ़ाएंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी, बट अभी आप सिंपल इतना याद रखो, काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ऐसे इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात हो रही है तो मैं आपसे कहता हूं कि देश में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है या वर्ल्ड में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो आप कहते हो सर क्या बात कर रहे हो, तो काइबुल क्या बोल रहे हो, क्या काइबुल क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस ऐसे ही हो सकता है, ये मणिपुर में। ठीक है, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, उसमें मरीन लाइफ, तुम्हारे ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं और जो इकोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे यार देखो, आप जब एक लैंड पे करते हो तो वहां पे अलग फ्लोरा एंड फौना होता है, और जब आप एक्वेटिक की बात करते हो तो उनकी अपनी एक अलग पूरी डाइवर्सिटी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात है, कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है अक्सर, एमपी में भी पूछा जाता था और अभी भी पूछा जाता है, कि जंगल बुक का जो ट्रेल है, मतलब जंगल बुक की जो कहानी है वो किस नेशनल पार्क पे बेस्ड है। रुडयार्ड किपलिंग, पहले तो एक बात याद आ गई आपको कि जंगल बुक किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने। अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की जो ये बुक है जंगल बुक, ये किस नेशनल पार्क की स्टोरी से क्या बोलते हैं इंस्पायर्ड है। दैट इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। ये एमपी में पूछा जाता है या और बाकी जगहों में पूछा जाता है, बट मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करी कल और मैंने समझना चाहा तो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। देखो, कुछ जगह पे पेंच लिखा हुआ है और कुछ जगह पे कहना लिखा हुआ है। एमपी में आई गेस पेंच आंसर सही मानते हैं। पेंच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे यहां से ये इंस्पायर्ड है लेकिन कान्हा से भी इंस्पायर्ड है, ऐसा लिखा है। तो जनरली ऐसा होगा कि आप दोनों को इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, तो इन दोनों में से जो भी एक ऑप्शन है उसको मार देना। अगर ये दोनों आ जाते हैं जस्ट इन केस, देन यू कैन गो फॉर पेंच। ठीक है, समझ में आ गया।
समझ में आ गया। इस पे कुछ ऑफिशियल नहीं है, सबका अपना अपना है। मतलब न्यूज आर्टिकल्स पे जाओगे तो उन्होंने कान्हा को रिकॉग्नाइज किया है, पेंच नेशनल पार्क जाओगे उनकी वेबसाइट को पढ़ोगे तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, तो सब इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बट ये एक चीज आप ध्यान रखेगा, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द नेशनल पास। नाउ वी आर मूविंग स्टेट वाइज। अब अपन स्टेट वाइज जाएंगे और स्टेट के एक एक दो दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पास है जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं उनको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क की यहां तक की बात समझ में आ गई, एक बार थम्स अप दे दो फटाफट से अगर यहां तक की बात समझ में आ गई हो, यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो समझ लो। और यार ये जो तुम्हारा अनअकैडमी का डिस्काउंट चल रहा था ना 47% का, ये फिर से एक्सटेंड हो गया है, ये एक्सटेंड होके हो गया 31 जुलाई, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसके आगे एक्सटेंड होगा। मतलब वी होप ऐसा शायद नहीं होने वाला है, अब हो जाए तो मुझे पता नहीं, बट जनरली अब इसके आगे एक्सटेंड नहीं होगा। जैसे इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट बढ़ती है ना, वैसे इसकी भी डेट बढ़ती जा रही है और पता नहीं चलता है। बट अब 31 जुलाई के बाद ये एक्सटेंड नहीं होगा, तो 47% का डिस्काउंट है अगर अभी भी कोई बचा है। वैसे तो सबने ले लिया जिसको इसको लेना था, बट जस्ट इन केस एनीबडी इज लेफ्ट हु हैज स्टिल नॉट टेकन द सब्सक्रिप्शन, ही कैन टेक इट बाय यूजिंग द कोड DPJ10। प्राइस हाइक आने वाला है, पैसे बनने वाले हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के, तो आप इनको देख लीजिएगा। अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा मंथ्स भी फ्री मिल रहे हैं, 24 महीने का खरीदने पे 6, 12 महीने का 3, और 6 महीने का खरीदने पे 1 महीने का। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपकी बहुत सारी सेविंग्स होने वाली है। तो अगर कोई अभी भी बचा है, लास्ट कॉल, जैसे वो होता है ना कि जैसे वो बस चलने वाली होती है तो कहता आखिरी बार बुला रहे हैं, जिसको आना है आ जाओ, वैसा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टेट स्पेसिफिक। ये क्या हो गया? हाँ, स्टेट स्पेसिफिक। अब आते हैं स्टेट स्पेसिफिक, बात शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक स्टेट के नेशनल पार्क हैं उनको मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहला है आपका JNK, जम्मू कश्मीर। देखो लद्दाख का आपने समझ लिया, मैप के हिसाब से चलो। लद्दाख का कौन सा था? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कौन सा था? सबसे बड़ा नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का। लद्दाख से जुड़ा हुआ है अपना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही आपको याद रखना है, डचिंगम नेशनल पार्क। कश्मीरी स्टैग जो होते हैं उनको, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है डचिंगम नेशनल पार्क। तो JNK का सिर्फ आपको एक याद रखना है, डचिंगम, ठीक है। डचिंगम नेशनल पार्क JNK, बहुत पूछे जाने वाला सवाल है, बहुत ज्यादा, इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। अब देखो हिमाचल प्रदेश, आप जब भी हिमाचल प्रदेश की बात करते हो तो आपके दिमाग में पहाड़ आते हैं, सिंपल बात, आपके दिमाग में पहाड़ आते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, ग्रेट हिमालय लिख के आता है तो अपने दिमाग में हिमाचल तो आता ही है, लेकिन हिमाचल के साथ JNK भी आ जाता है, उसके साथ लद्दाख भी आ जाता है, सिक्किम भी आ जाता है, अरुणाचल भी आ जाता है, प्रॉब्लम वहां हो जाती है। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि JNK में डचिंगम याद रखना है, लद्दाख में हेमिस याद रखना है, तो हिमाचल प्रदेश में आएगा ग्रेट हिमालयन, ठीक है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसलिए ये MCQ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया ग्रेट हिमालय माना मैंने, लद्दाख में मेजर पोर्शन है हिमालय का, ठीक है, JNK में है, सिक्किम में भी कुछ पार्ट है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट इसका आंसर हिमाचल। चाल से नेक्स्ट, पिन वैली नेशनल पार्क एंड सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये दोनों भी जो हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश में। तो सर हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन तो याद रहा, उसके बाद पिन वैली, इसमें वैली आ रहा है, ठीक है, इसमें वैली आ रहा है, तो वैली को भी आप एसोसिएट कर सकते हो हिमाचल से, और ये याद रख सकते हो कि वैली वाला जो है और हिमालय वाला जो है वो हिमाचल में, ठीक है। और सिंबल बारा आप जैसे भी याद कर रहे हो, सिंबा से याद रखो रणवीर सिंह को कि वो हिमाचल प्रदेश में शूटिंग कर रहा था, या जो भी याद करना है, मतलब इसको याद रखना है आपको, सिंबल बारा नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड का जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको अभी अपन ने पढ़ा। हेलेज नेशनल पार्क, जिसका नाम जिम कॉर्बेट हो गया, अभी अपन ने पढ़ा, इट वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और यही फर्स्ट था टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, जो टाइगर प्रोटेक्शन, इसके बारे में भी रात को बात करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है या उसके बारे में क्या है चीजें। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी आने वाला पहला जो नेशनल पार्क था वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है। और उसके अलावा दो और याद रखने आपको, नंदा देवी और राजा जी,
ठीक है। अब देखो नंदा देवी, अगर आपने माउंटेन्स थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी आपको समझ में आएगा नंदा देवी उत्तराखंड से इंस्पायर्ड है। बट अगर आपको नहीं भी याद है वो, तो आप इतना याद रखो उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं। ऐसा आपने कभी बस वस में पढ़ा होगा या उत्तराखंड में गए होगे, क्योंकि वहां बहुत सारे मंदिर हैं और बाकी धाम है केदारनाथ बद्रीनाथ जी का, बाकी चीजें हैं, तो उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं। तो यहाँ पे देवी लगा हुआ है नंदा देवी, तो देवी से याद रखेगा कि देवी देवभूमि उत्तराखंड, ठीक है। उसके अलावा राजा जी नेशनल पार्क, अब आपको ये याद रखना है कि जब देवी देवता होते थे पहले के टाइम पे, तो उनके लिए मंदिर बनवाना और ये सब चीजें करने का काम राजा लोग करते थे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप राजा जी याद रखेगा, राजा जी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड है। देखो हम चीजों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इनको डायरेक्ट रट सकते हो, अगर आपके पास फोटोजेनिक मेमोरी है कि आपने सीधा एक बार पढ़ लिया आपको हमेशा के लिए याद हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं है, इन टेक्निक्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिनको जिनसे क्लिक हो जाता है कभी कभी डायरेक्टली, तो मदद आती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूपी, यूपी में एक चीज है बस, दुधवा नेशनल पार्क। सर आप कैसे भूल सकते हो आप दुधवा नेशनल पार्क, नहीं भूलोगे, मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं। यूपी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन आप याद कर लो, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अगर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है तो मिल्क को हिंदी में दूध बोलते हैं, और दूध से बनता है दुधवा, मतलब दूध से दुधवा नहीं बनता, वर्ड दुधवा, दूध वर्ड से बनता है, ठीक है। तो दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर, इंडियन राइनोस, लेपर्ड, ये सारे आते हैं आपके दुधवा नेशनल पार्क में, ठीक है, ठीक है। रकीनपुर खीरी, चलो बढ़िया। उसके बाद बिहार, बिहार में एक नेशनल पार्क है जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिल्कुल प्रॉपर बिहार की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से बिल्कुल सूट करता हुआ नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। बहुत सारे अपने क्या नाम है, आर्ट एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है वहां पे, नालंदा विश्वविद्यालय और बाकी चीजें, तो उससे कनेक्टेड है वाल्मीकि नेशनल पार्क। सिंपल बात, आपको कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना, बिहार के लिए आपको याद रखना है वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद आते हैं झारखंड, अब झारखंड में एक है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क झारखंड में। देखो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जाने को तो आप चले जाओ तो और भी आपको मिलेंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, दीज आर द बेस्ट दैट यू कैन लर्न, ठीक है। तो झारखंड में कौन सा हो गया, झारखंड में हो गया आपका बेतला नेशनल पार्क। अब बेतला आपको याद रखना है कि बेतला नेशनल पार्क जो है वो झारखंड में, ये आपको सीधे याद रखना है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा मैं आपको ट्रिक नहीं बता सकता। नेक्स्ट कम्स टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सुंदरबन, बच्चे को पता है, सबको पता है सुंदरबन डेल्टा है वहां पे, सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये रामसर साइट है। देखो मैंने रामसर साइट के बारे में आपसे किसी एक एमसीक्यू में बात किया था कि इस साल इंडिया की चार साइट्स हैं, दो साइट्स तमिलनाडु में, एक मेघालय में, एक मध्य प्रदेश में, जो रामसर साइट्स में ऐड हुई हैं। रामसर साइट मैंने आपको समझाया था क्या करता है, वेटलैंड को रिकॉग्नाइज करता है, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है, जहां पे पानी जो है बिल्कुल सॉयल तक आ गया है या उसके ऊपर है, जो वाटर का जो लेवल है वो बहुत ऊपर होने की वजह से उसको रिकॉग्नाइज और उस इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का जो कन्वेंशन है वो रामसर कन्वेंशन कहलाता है। ये मैंने आपको समझाया था और अब आपको समझ में आ ही गया है, सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा है, तो वो ऑटोमेटिकली रामसर साइट बन जाएगा, रामसर साइट बन जाएगा। सारे लॉजिक अपने आप आ रहे हैं, हाँ, टोटल 54, वेरी गुड, अपन ने कल ही डिस्कस किया था, ठीक है। तो सुंदरबन आपको याद रखना, सुंदरबन तो याद ही रहेगा, जल्दपारा, ठीक है, जल्दपारा नेशनल पार्क, ये भी आपको वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखना है, जल्दपारा, ठीक है, जल्दी पारा चढ़ना, मतलब ऐसा किसी को डिमीन करने का ऑब्जेक्ट नहीं होता है यार इनको समझाने का, तो थोड़ा सा समझना, आप ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हो कि जो बंगाल में लोग हैं, ठीक है, उनका पारा जल्दी चढ़ जाता है, मतलब उनको गुस्सा आ जाता है, अगर आप उनसे इधर उधर की बात करोगे तो उनको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। बंगाली लोग हैं उनको बिल्कुल भी ऐसा इधर उधर का बात नहीं पसंद है, सीधा बात करो, अच्छी बात करो, नॉलेजेबल बात करो, ठीक है। तो जल्द पारा, जल्दी चढ़ जाता है पारा, किसका, बंगालियों का। With all due respect, no intention to hurt the sentiment, only to remember this name. ठीक है, और बाकी तारीफ ही कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओरिसा, ओरिसा में सिंपली पल नेशनल पार्क और भितार कनिका नेशनल पार्क, ठीक है, ओरिसा में आपका है भितार कनिका और सिंपली पाल और भितार कनिका, ये दो आपको याद रखने हैं ओडिशा के लिए। अब जैसे कि बेतला के लिए मेरे पास कोई वो नहीं था, वैसे ही मेरे पास ओडिशा के लिए भी नहीं है। ओडिशा सिंपल है, याद रखो सिंपली पाल, ठीक है, और भीतर कर्णिका, सिंपली पाल, भीतर कर्णिका, ये है ओडिशा में, ये आपको थोड़े से याद करने, ठीक है। अब आ जाती है राजस्थान की बात, राजस्थान के आपको फटाफट याद हो जाएंगे,
कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहला है डेजर्ट नेशनल पार्क। सर अब डेजर्ट नेशनल पार्क तो आपको हमेशा याद ही रहेगा, हमारे देश में डेजर्ट एक ही है थार का, वो है राजस्थान में। तो राजस्थान में अगर कोई डेजर्ट नेशनल पार्क दिया जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली राजस्थान में निकल आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूं, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आफ्टर द हेमिस नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख। ठीक है, आफ्टर द हेमिस नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख। और इसको आपने याद कर लिया राजस्थान के लिए। ये फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आप बोलते हो सोन चिरैया, और इसको मैंने यहां पे लगाया हुआ है। दिस इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसकी 90% स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, 90% से ज्यादा, और बहुत थोड़ी सी बची हैं। इस वजह से ये एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो किस नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो अब आपको याद रखना है कि आपने फोटो देख लिया, पहचान गए हो आप इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पाई जाती है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। समझ गए, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। ठीक है, अच्छा अब देखो राजस्थान के तीन और हैं, तीन मेन हैं, सरिस्का, केवलादेव और रणथंबोर। ठीक है, सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर। ठीक है, एक अभी अब मूवी आई थी ना अपनी पद्मावत, पद्मावत में हमने देखा था कि जब वो महाराणा जो रतन सिंह थे इनको लेके जब गए थे क्या नाम है खिलजी, और उसके बाद जब उनको छुड़वा के लाए थे उनके जो सेनापति थे, मैं नाम भूल गया उन दो लोगों का जो सेनापति थे, आप लोग मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, उनका दिखाया गया था कि जब वो जब रतन सिंह जी को एस्केप रूट दे दिया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा था हम आपके लिए रुके हैं और हम इन लोगों से लड़ेंगे, इनको रोकेंगे। तो उसमें ये दिखाया गया था कि उनका सर काट दिया गया था लेकिन उनका धड़ भी क्या नाम है मुगलों से उस समय लड़ रहा था। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट कहानी है राजस्थान की जो कहा जाता है। ठीक है, हाँ गोरा बादल, सॉरी हाँ मैं भूल गया था जी, बहुत ही वॉरियर लोग हैं जिनकी बहुत ही कहानियां बोली जाती हैं कि गोरा बादल ऐसा कहा जाता है उनकी प्रेज में कि जब उनका सर कट गया था तो उनका धड़ भी दुश्मनों से लड़ रहा था। दैट वॉज द काइंड ऑफ ब्रेवरी दैट दे हैड। तो उनकी कहानी से इंस्पायर होके हम ये राजस्थान के सारे याद रख सकते हैं, कि हम ये याद रख सकते हैं कि गोरा बादल का जो सर था, गोरा बादल का जो सर था वो कट गया था रण में, मतलब लड़ते हुए गोरा बादल का सर जो था वो कट गया था रण में, बट फिर भी वो मरे नहीं और लड़ते रहे। ठीक है, दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, वही डिस्क्लेमर हमेशा है। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे तो सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर और मुकुंद्रा, ये चारों आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट याद कर लो, आप राजस्थान के होगे तो आपको याद रहेगा। मैं भी क्योंकि इधर सब गया हूँ रणथंबोर वगैरह, तो मुझे याद है सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर और मुकुंद्रा। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने। ठीक है, यस, गुड टेलिया। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात में एक ही आपको याद रख, दो याद रखने हैं गुजरात में आपको। गुजरात में एक तो है आपका शासन गिर, जिसको गिर नेशनल पार्क बोलते हैं, GIR, इसको ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शासन गिर, उसको शासन गिर नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, दिस इज फेमस फॉर द एशियाटिक लायंस, द ओनली क्या नाम है तुम्हारा नेशनल पार्क टू हैव द एशियाटिक लायंस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वेलवदार ब्लैकबक नेशनल पार्क। अभी कुछ नहीं, वेलवदार याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्लैकबक याद करने की जरूरत है। ब्लैकबक आपने सुना ही होगा, उसे शिकार के लिए कुछ दिक्कत हो गया था अभी रिसेंट में। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब ब्लैकबक की बात आएगी तो वो गुजरात में, ब्लैकबक की बात आएगी तो वो गुजरात में, बस इतना आपको याद रखना है। ब्लैकबक के बारे में आपको गुजरात में याद रखना है। ठीक है, तो यहां से हमने एक सब्सटैंटिव पार्ट, 50% ऑफ द जो नेशनल पार्क्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कर लिए हैं। और हाँ ठीक है, ये हमने जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे वो कर लिए हैं। अब रात की जो क्लास होगी उसमें जो बचे हुए हैं, ठीक है, एमपी के हुए, सिक्किम के हुए, अरुणा नॉर्थ ईस्ट के हुए, थोड़े साउथ के हुए, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। अभी हमने क्या कर लिए, नॉर्थ के जितने थे, नॉर्थ एरिया या राजस्थान, उड़ीसा, थोड़ा सा बिहार भी ले लिया अपन ने, बट जो इंपॉर्टेंट थे आधा पार्ट कवर कर लिया है। अब आधा पार्ट अपन रात की क्लास में फटाफट से पूरा कर लेंगे। ठीक है, यस और नो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, जरा देखें कितने लोगों को याद हुआ, जरा देखा जाए कितने लोगों को याद हुआ है। मुझे बताओ राजा जी नेशनल पार्क कहां पे है, बताइए, कॉपी से देख के मत बताना। राजा जी नेशनल पार्क,
यार फुल इंडिया के पूछेंगे, ये क्यों होगा अखंड जी, यूपी का पेपर है तो यूपी के पूछेंगे। वाह ये तो हो चुका फिर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वेरी गुड वेरी गुड। शोभा जी, शोभा जी, शिल्पी जी, वेरी गुड। अखंड जी बताओ भाई, राजा जी माफ करना, बताओ केवला देव, केवला देव बेटा मणिपुर में नहीं है बेटा, मणिपुर में तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है अपना। कई बात कर रहे हो, क्या बोले तुम, कई बोल मणिपुर, ठीक है। मुझे बताओ केवला देव हिमाचल कैसे बोल रहे हो यार तुम लोग, नहीं बेटा नहीं बेटा, हाँ ठीक है। मुझे बताओ केवला देव, केवला देव बताओ, और उसके बाद बताओ जल्दपारा, जल्दपारा नेशनल पार्क, केवला देव और जल्दपारा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राजस्थान, वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे कोई बता देगा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन है, फटाफट से कौन सा है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। गुड 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 गुड, वेरी गुड, शानदार 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 शानदार, ठीक है। रात की क्लास में एक टेस्ट रखेंगे, ठीक है, रात की क्लास में एक टेस्ट रखेंगे। अभी तक जितनी भी चीजें समझी हैं अपन ने, वेरी गुड, सब बोल रहे हैं लाइन से, सुमित जी, नताशा जी, अमन शेखर जी, अखंड जी, शिल्पी जी, वेरी गुड, शिवी जी, सब 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 बहुत ही शानदार भाई, बहुत शानदार, ठीक है। और मुझे सिंबल बारा भी बता दो आखिरी, सिंबल बारा नेशनल पार्क, वेरी गुड अंजलि जी, सना जी, सब लोग सिंबल बारा लास्ट बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, सिंबल बारा उड़ीसा में है बेटा, अखंड जी कैसी बात करते हो, सिम्बा हिमाचल, रणवीर सिंह हिमाचल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलो चलिए चलो शुरू करें एमसीक्यू आज के। चलिए पहला एमसीक्यू आपकी कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर ये रहा, पद्म भूषण अवॉर्डी आर नागास्वामी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, पूछा जा रहा है आर नागास्वामी जी जिनकी अभी हाल में डेथ हुई है, विच वॉज हु वॉज द पद्म भूषण अवॉर्डी, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है। तो अभी आपको हो सकता है पता ना हो, बट आप इसको आगे के लिए याद रख लीजिएगा, द करेक्ट आंसर इज आर्कियोलॉजी, ही वॉज अ वेटरन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्ट हिस्टोरियन एंड पद्म भूषण अवॉर्डी। इनके बारे में कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ही प्लेड अ की रोल इन इन ब्रिंगिंग बैक द चोला एरा ब्रॉन्ज नटराज मूर्ति और टू तमिलनाडु, ये जो नटराज जी की मूर्ति दिखाई जाती है ना वो इन्होंने ही फाउंड की थी, ठीक है। बहुत सारी और चीजें इन्होंने करी हैं, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना कि अगर आर नागास्वामी, ठीक है, नागास्वामी से ही नटराजन याद रखना, अगर याद कर सकते हो तो, ये आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द सदर दीवानी अदालत, ये अपन ने डिस्कस किया था मेरे हिसाब से, व्हेन वी डिस्कस द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तब हमने ये बात डिस्कस की थी कि दीवानी और फौजदारी अदालत किसने स्टार्ट की थी, दीवानी एंड फौजदारी अदालत फॉर स्टार्टेड बाय हु, यार ये अपन ने डिस्कस किया था यार, मुझे याद है क्योंकि, हाँ ठीक है, राइट, अ लॉट ऑफ यू आर डूइंग इट राइट। देखो सारे क्वेश्चंस का एप्लीकेशन है, थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, अगर रिवाइज करके क्लास भी देखते रहोगे तो चीजें होंगी, राइट। वॉरेन हेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, वॉरेन हेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वॉरेन हेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। द सदर दीवानी अदालत वॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ रेवेन्यू इन द ब्रिटिश इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय वॉरेन हेस्टिंग इन 1772, इट वॉज रिफॉर्म्ड इन 1770, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, द कोर्ट्स जज गवर्नर जनरल काउंसिल ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये आपकी अदालत थी जो वॉरेन हेस्टिंग ने एस्टैब्लिश की थी, और ज्यादा याद रखना है तो 1857 के क्रांति के बाद इनको एबॉलिश कर दिया गया था। Who wrote the Communist Manifesto?
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था। कैपिटलिज्म पे एक किताब थी कि किस तरीके से जो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है, ये जो कैपिटलिज्म है वो कैसे पुअर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इससे रिलेटेड या उनके क्या राइट्स होने चाहिए, क्या बात होनी चाहिए, वो समझाई गई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। दैट वॉज रिटन बाई कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, वेरी गुड। द बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द बुक रिप्रेजेंट्स एन एनालिटिकल अप्रोच टू द क्लास स्ट्रगल and the different conflicts of capitalism and capitalist mode of protection, production. ये यही समझाते थे कि क्या नाम है, उनको लेबर क्लास को यूज किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कैपिटलिस्ट उसका बेनिफिट ले रहे हैं, इसमें ओनरशिप दोनों की होनी चाहिए या स्टेट ओनरशिप आप हो, आप सबको बराबर से दो, ये सारी बातें जो थी इसमें की गई। Which British officer suppressed the revolt of 1857 in Kanpur? अभी तक कोई लोग एचपी आंसर दे रहे हैं, बेटा खत्म हो गया वो हिमाचल वाला बात, पीछे चला है क्या वीडियो तुम लोग का। इंपॉर्टेंट है कि किसने सस्पेंशन ऑफ रिवोल्ट किया था कानपुर में सस्पेंशन ऑफ सप्रेस करना। देखो कानपुर में कौन थे, नाना साहब जी थे, ढोंडू पंत थे, तात्या तोपे थे और अजीमुल्ला खान जी थे, इनके रिवोल्ट को। ये थोड़ा सा चार जगह हैं जिनको आपको याद करना जरूरी है, मैं अभी आपको याद करा देता हूं। देखो दिल्ली में कौन थे, बहादुर शाह टू जो थे वो दिल्ली में थे, ठीक है, वही मुगल के लास्ट रूलर भी माने जाते हैं और वो थे दिल्ली में, ठीक है। कानपुर में मैंने आपको बताया नाना साहब, अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे और ढोंडू पंत, ये लोग थे कानपुर में, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ में बेगम हजरत महल वो आपको पता है। उसके बाद बिहार में आरा में कुंवर सिंह दी और जमींदार और जगदीशपुर, ये लोग थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को अलग अलग जगह से चैनलाइज किया था। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस किस क्या नाम है ब्रिटिश गवर्नर ने या ब्रिटिश ऑफिसर ने उस रिवोल्ट को सप्रेस किया इन चारों डायरेक्शंस में। That was the question, ठीक है। तो वो मैं आपको किसी दिन लिखवा दूंगा, बस आप दो तीन याद रखिएगा। झांसी का जो रिवोल्ट था, रानी झांसी का, उसको ह्यू रोज, ठीक है, ROSE रोज, इन्होंने क्या नाम है, कहां पे किया था, इन्होंने किया था झांसी में। तो झांसी का जो रिवोल्ट था वो ह्यू रोज नाम के ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा सप्रेस किया गया था, ये बात याद रखिएगा बस। और दिल्ली का जॉन निकोलसन और कानपुर लखनऊ का कॉलिन कैंपल, बस आपको ये तीन याद रखने हैं कि ये आपसे यही तीन मेन पूछे जाएंगे। मैंने आपको समझाया जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो अलग अलग जगह से अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स ने इस रिवोल्ट को चलाया। तो जब आप बात करते हो कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर में मैंने आपको बताया नाना साहब, ढोडू पंत, नजीमुल्ला खान, ये लोग थे, ठीक है। उसके बाद आपका दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड थे, ये सब अलग अलग जगह थे। तो एक ये चीज ध्यान रखनी है कि किसने 1857 के रिवोल्ट को कहां से लीड किया, एक ये बात याद रखनी है, और दूसरी ये बात रखनी है कि किस ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको सप्रेस किया। तो तीन आपको याद रखने, ह्यू रोज ये झांसी के थे, जॉन निकोलसन इन्होंने दिल्ली में, और कॉलिन कैंपवेल इन्होंने कानपुर और लखनऊ का रिवोल्ट को जो था वो सप्रेस किया था। एट कानपुर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय नाना साहब एंड बाजीराव टू द लास्ट पेशवा, ही किक्ड ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम कानपुर विद द हेल्प ऑफ सिपॉयज एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द पेशवा, बट सून कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश कमांडर सर कॉलिन कैंपवेल एंड द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड, नाना साहब एस्केप टू नेपाल, ठीक है। ये कानपुर की अपनी हिस्ट्री है, तो कानपुर की भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया वर एब्रप्टली विड्रॉन ड्यू टू नॉन वायलेंस, ये बच्चे को पता है। बताइए, द करेक्ट आंसर इज, बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं इसको, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं, बट कुछ लोग सही भी दे रहे हैं, काफी लोग गलत दे रहे हैं, ठीक है, काफी लोग गलत दे रहे हैं। तो अभी सिर्फ इसका सही आंसर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या हुआ था, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिक्लेयर किया था, ठीक है, वो चल रहा था। उसके बाद आपका चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट में अपने फ्रीडम फाइटर्स ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी,
ठीक है। देखो दो तरीके थे और ये होना ही था हमारे इतिहास में कि दो विचारधारा एग्जिस्ट कर रही थी, एक वायलेंस की एक नॉन वायलेंस की। गांधी जी को लगता था कि हमारी देश की जो स्वतंत्रता है वो हमें नॉन वायलेंस से ही मिल सकती है, क्योंकि हम अगर वायलेंस करेंगे तो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, बिकॉज दे हैव मोर आर्मी मोर वेपन्स एंड एवरीथिंग दैट दे हैव। तो एक विचारधारा ये थी जो नॉन वायलेंस पे चलना चाहती थी, एक विचारधारा थी जो कहती थी कि इनको नॉन वायलेंस से, इनसे अगर हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो हमारा काम नहीं निकलेगा, वी हैव टू रिजॉर्ट टू वायलेंस मीन्स। तो ये किसी भी हिस्ट्री में आप जाओगे तो ये दो विचारधारा एग्जिस्ट करेंगी। तो ये हुआ था जिसकी वजह से आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो वापस ले लिया गया था, ऐसा कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से वापस नहीं लिया जाता तो शायद इंडिया को 10-15 साल पहले आजादी मिल जाती, ठीक है। बट ये सबकी अपनी अपनी कहने का मतलब है, अपने को सिर्फ पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट क्या था क्वेश्चन का। तो ऑन फेब्रुअरी 5, 1922 द चौरी चौरा आफ्टर द वायलेंस क्लैश बिटवीन द लोकल पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स इन विच 3 प्रोटेस्टर्स वर्स किल्ड बाय पुलिस फायरिंग द पुलिस चौकी वॉज सेट ऑन फायर बाय द मॉब किलिंग 22 पुलिसमैन ऑक्यूपेंट। गांधी जी फेल्ट दैट द रिवॉल्ट वॉज वियरिंग ऑफ कोर्स and was disappointed that the revolt has lost its non-violent nature. He did not want the movement to denigrate into the contest of violence. With police and angry mobs attacking each other back and front, victimizing civilians in between, Gandhi ji appealed Indian public for all resistance at their end, went to fast for 3 weeks and called off the non-cooperation movement. Gandhi ji ne kehna tha ki agar apan is violence pe utar hai तो शायद हमें आजादी मिल जाएगी, बट एट वॉट कॉस्ट, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, ये उनका सोचना था। सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा थी, अपन को कमेंट नहीं करना है किसी की विचारधारा पे, अपन को सिर्फ समझना है कि वॉट वॉज द क्या नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेम। ये क्वेश्चन अपन वापस से पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन अपन कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉलेट एक्ट दैट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रीडिंग। It authorized a government to imprison the people without any court trial. ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, अगर ये गलत हुआ तो समझ लेना मैं क्लासेस बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। मैंने कितनी बार आपको समझाया कि ये ड्रैकोरियन लॉ था, रॉलेट एक्ट कौन लाया था, मैंने परसों की क्लास में भी समझाया, कल की क्लास में भी समझाया। बताइए फटाफट, किसके टाइम पे आया था रॉलेट एक्ट? गुड 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 गुड, सब लोग सही बोल रहे हैं। किसके टाइम पे आया था रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट किसके टाइम पे आया था? गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने सही दिया है, वेरी गुड। कोई भी अगर गलत देता तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता, क्योंकि आई एक्सप्लेन दिस मेनी टाइम, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919, जलियांवाला बाग, हंटर कमीशन, याद आया? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेस चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम आया था, वही बात लिखी हुई है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज़ द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1916 टू 21। लॉर्ड रीडिंग वाज़ द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 21 टू 26, ठीक है। द दिस रेवोल्यूशनरी क्राइम प्रॉपरली नोन रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919। मैंने आपको समझा ही चुका हूं, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर टाइटल्ड अल हिलाल? अल हिलाल ये टाइटल, ये जो पेपर था ये किसने पब्लिश किया था? अल हिलाल, अल हिलाल पूछा जाने वाला सवाल है, बताइए। हु पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर टाइटल्ड अल हिलाल? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टार्टेड अ वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर अल हिलाल and use it as a medium to criticize the British Raj in India. Everybody was doing the same, but this paper is important. Which among the following treaties Lord Clive has secured the grant of Diwani of Bengal, Bihar and Orissa from Mughal Emperor Shah Alam? कौन सी ट्रीटी हुई थी बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा, कभी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में भी बता देंगे, बट जनरली आपको इसको पता ही होगा। तीन चार ट्रीटी हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक आपकी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद है, ठीक है, बताइए।
अच्छा मैंने बोल दिया क्या? यस राइट, दिस इज ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ठीक है ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद शाह आलम से रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टिंग में जब था ना तो उसने सारी चीजों को जीता था, उधर सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, उसके बाद तुम्हारा इधर मीर जाफर मीर कासिम वाला हुआ था बैटल ऑफ प्लासी बक्सर। तो इसके बाद जो है यहीं से सुप्रीमेसी जो है ब्रिटिशर्स की आने लगी। तो जो मोस्ट, और एक तो अलाहाबाद याद रखेगा और उसके बाद एक याद रखेगा ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम, ठीक है, ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई थी टीपू सुल्तान के साथ। तो वो ये दो तीन ट्रीटी ही है जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, क्लाइव हैड सिक्योर्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक है। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, बताइए यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है। ही स्टार्टेड द बॉम्बे क्रॉनिकल, ये इंपॉर्टेंट पेपर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है, बॉम्बे क्रॉनिकल एन इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर। ही वॉज नोन एज द लायन ऑफ बॉम्बे, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स प्रेसिडेंट इन कैलकटा सेशन ऑफ 1819। बहुत लोगों को पता है, वेरी गुड, बताइए बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, वेरी गुड। सर फिरोज शाह मेहता, सर फिरोज शाह मेहता, वेरी गुड, वॉज द पारसी इंडियन पॉलिटिकल लीडर। ही स्टार्टेड द बॉम्बे क्रॉनिकल एन इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द लायन ऑफ बॉम्बे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स प्रेसिडेंट एट कोलकाता सेशन इन 1819। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल मिलने की बहुत संभावना है आपको पेपर में, ठीक है। Which of the following is known as an act for the better government of India? An act for the better government of India. ये बस ऐसे ही याद रख लो, 1857 के revolt के बाद जब British Crown के अंदर आ गए थे तो ये माना गया था कि ये governance तो better हो जाएगी, East India Company से जो हमारे पास governance चल रही थी उससे तो बेहतर governance अपन को मिलेगी 1858 के act के थ्रू। Which of the following articles of the Indian Constitution says about the organization of village panchayat? सबको पता है, सबको पता, बच्चे बच्चे को पता है विलेज पंचायत, और इसमें तो आर्टिकल्स ही ऐसे दिए हुए जो बाकी कोई डीपीएसपी बन ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस फिर भी होते 41, 42, 44 और 40, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, बट यहाँ तो ऐसे इन्होंने दिए हुए हैं बिल्कुल खराब खराब ऑप्शन कि आंसर आपको पता ही है आर्टिकल 40, ठीक है। पंचायत, चार लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं इसलिए 40 होता है इसका, ठीक है। चलो, Who among the following published the English Weekly Socialist? ये एक out of the context question है, but क्योंकि ये जो नाम है socialist, ये important है और ये English Weekly था, इसलिए इसका सिर्फ सीधे सीधे आप याद कर लीजिए, श्रीपद अमृत डांगे, इन्होंने लिखा था socialist, इसको बस याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन मार्क्सिस्ट जनरल, ठीक है, मार्क्सिस्ट जनरल था, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है जनरली, क्योंकि इसका जो नाम है सोशलिस्ट है और इसका मार्क्सिज्म से कंटेक्स्ट है वो एक अलग चीज है, बट आप इसको याद कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रेवोल्यूशनरी इज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी में जो ट्रेन लूटी गई, ठीक है, उसकी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें कौन एसोसिएटेड नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और भगत सिंह। अगर आपको पता होगा तो आपको सीधे ही आ जाएगा, भगत सिंह जी जो थे वो इस कॉन्स्पिरेसी में नहीं थे, वो थे क्या नाम है जनरल डायर को मारने के लिए, ठीक है, नॉट भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठीचार्ज इन लंडन, लंडन में जाके मारा था, बट लाठीचार्ज का कनेक्शन वहीं से था, जलियांवाला बाग मैसेकर्स के से पहले ये जो क्या नाम है वो हो रहा था ना, प्रोटेस्ट हो रहा था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, उसी में लाला लाजपत राय को जब लाठीचार्ज किया गया था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मारा था भगत सिंह, आजाद और राजगुरु जी ने, ठीक है। विच लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बच्चे बच्चे को पता है ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं, ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हो तो समझ लो। हाँ, इनका ये अपन ने पढ़ा था ना कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इंडियाज वेल्थ टू ब्रिटेन जो जा रही थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना, ठीक है। अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहते थे इनको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में ये तीन चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। चलो बस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं आज के लिए, आज के लिए दोपहर का टाइम है, आप लोग को भी कहीं कहीं जाना होगा, बढ़िया आराम से चिल करो, रात को मिलते हैं, रात को डिटेल्ड सेशन होगा, ये ऑफर आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, प्राइस हाइक आने वाला है, इसके बाद पैसे बढ़ जाएंगे अन अकेडमी के, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अन अकेडमी के प्लस के बेनिफिट क्या हैं। तो लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस, ये आपके प्लस के बेनिफिट है, और प्लस का अपग्रेडेड वर्जन कहलाता है आइकॉनिक, जिसमें मिलता है आपको स्टडी प्लानर, पर्सनल गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग, आंसर कॉपी चेक ओके, और थोड़ा पर्सनलाइज्ड सेंट्रिक अप्रोच जो है वो आइकॉनिक में मिलती है। तो आज रात को ऑफर खत्म हो रहा है, कोड यूज करना है DPJ10, ठीक है। चलो समझ गए, स्पेशल क्लासेस बाय मी एंड अदर एजुकेटर्स डेली ऑन द अनअकैडमी ऐप, इसको आप रेफर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप द सीरीज वॉज हेल्पफुल। आई होप सर अब तक 5 क्लास की PDF ग्रुप में मिल जाएंगी क्या? बिल्कुल मिलेंगी बेटा, क्यों नहीं मिलेंगी ग्रुप पे? PDFs का मैं क्या करूंगा, PDFs आर डेफिनेटली अवेलेबल। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, व्यूज बढ़ेंगे तभी आगे चलेगी क्लास। आज रात को, आज रात के बाद कल क्लास नहीं होगी, पहले आप लोग इसके थोड़े से व्यूज बढ़वाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, और जब सबका प्यार मिलेगा तब हम आगे सीरीज बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।